खोराबर थाना क्षेत्र के पोस्ट बड़गों ग्राम सेदुली बेंदुली निवासी राम मिलन निषाद का 14 वर्षीय पुत्र डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज रामपुर कजाकपुर के 8वीं में पढ़ता था, बीते 9 मई शाम 5 बजे से लापता हो गया। गुरुवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से राम मिलन निषाद, जो मजदूरी करके अपनी पत्नी बिंदु, दो बेटियां और इकलौते पुत्र राकेश के साथ गुजर बसर करते हैं, बताया कि 9 मई शाम 5 बजे मेरा बेटा घर से बाहर खेलने के लिए निकला और लौट के वापस नहीं आया। पास पड़ोस और रिश्तेदारों के वहां बहुत खोजने के बावजूद जब राकेश नहीं मिला तो खोराबार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दुखी पिता राम मिलन निषाद ने कहा, बच्चा हमारा गुम हो गया उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए के वजह आया है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम है राकेश, हमारा नाम है राम मिलन, ग्राम सिंदुली बिंदुली पुष्ट बड़गो से आया हूँ और बच्चे की गुमशुदी के रिपोर्ट हमने खोराबर थाने में करा दिया था। 9 तारीख से बच्चा हमारा लापता है, अभी तक बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला जिस वजह से हम लोग उसको ला सके, और उसको खोजने के लिए हमने मीडिया का और पत्रकार का वो किया है ताकि बच्चा हमारा वो लोग जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करें। अब हम पेंटिंग का काम करते हैं, लेबर। बच्चा आपका पढ़ता भी था? बच्चा हमारा 8वीं में इस समय गया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज में।